कुमार सानू जी, आपके सामने यहाँ पे ऐसे साक्षात सामने बैठकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वेलकम टू दुबई। आप थैंक बहुत यू। बार आ चुके हैं। दिस मस्ट बी लाइक होम टू यू नाउ। या या ऑफ बट कोर्स। वंस अगेन अ वार्म वेलकम एंड अ वार्म वेलकम टू आवर शोजी कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेल मी। तो आपको ना मैं ले जाती हूँ आपकी जर्नी में थोड़ा सा पीछे, बहुत पीछे। यू कम फ्रॉम अ म्यूजिकली इंक्लाइंड फैमिली, बट आपने कभी सोचा था दैट यू विल बिकम द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट आइकॉनिक नंबर्स इन बॉलीवुड? नो, नेवर, नेवर। क्या आई वाज, आई वाज तबला प्लेयर। मैं कभी सोचा नहीं कि ऐसा मेरा, मैं कोई बड़े सिंगर बन जाऊंगा या कुछ अचीव करूंगा लाइफ में, सोचा नहीं था। और फिर क्या हुआ? बट स्ट्रगल करता गया। आई वाज अ म्यूजिशियन दैट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बाद में 79 में मैं सिंगिंग शुरू किया था। एंड समहाउ कलकत्ता में शो वगैरह करते थे। बट मेरा टारगेट था कि अगर गाना गाना है तो फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मतलब मुंबई इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री में मेरे को गाना है। ये मेरा एक टारगेट हमेशा से था। बस और फिर एक के बाद बॉम्बे, फिर बॉम्बे आ गया, आके होटलों में काम किया, फिर कैसेट में गाना लगा लगा के फिर उसको म्यूजिक डायरेक्टर के पास लेके गया। इस तरह से मुझे चांस भी मिला। जी, शॉर्ट में बता दिया, मतलब ये स्ट्रगलिंग तो आज भी चल रहा है। बट दिस इज द, आज भी आपको ऐसा लगता है? मतलब या ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग, मतलब क्या, गाना पाने के लिए नहीं, गाना गाने के लिए। स्ट्रगलिंग इज लाइक दिस, कि अगर कोई गाना आ जाए तो मैं उसको किस तरह से निभाऊं। एंड बहुत सारा कमिटमेंट होता है, आज इधर कल उधर ऐसा चलता रहता है, बीच बीच में गाना रिकॉर्ड करना, प्लस बहुत सारा रियलिटी शोज है, फिर सो मेनी थिंग्स टू डू। बट उस टाइम से अब तक, मतलब इतने गाने और पूरा, मतलब 90s एरा जो है, और जब से हम प्लेबैक सिंगिंग को जानते हैं, हम आपकी वजह से जानते हैं उसको, यू नो, फॉर अस, इफ वी न्यू एनी सिंगर्स, इट वाज यू उदित जी, अलका जी, यू नो, यू ऑल वर लाइक, वी हैव थ्राइव्ड ऑन योर सॉन्ग्स, वी हैव ग्रोन अप ऑन दीज नंबर्स, सो आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग सो प्राउड ऑफ दिस। नो, प्राउड फील तो नहीं होता है, बड़े खुशी होती है कि जो काम करने के लिए हमें फिक्स किया गया था, हमें जो काम करने के लिए चुना गया था, मैं वो काम ठीक से कर पा रहा हूँ। ये क्या, ऊपर वाला आपको चुनते हैं एक कलाकार को कि आप इतना करोड़ लोगों को सर्व करो, आप इनको खुशी दिलाओ, आनंद दिलाओ, ये तुम्हारा नौकरी है। तो वो जो हमें चुना, इसके लिए हम थैंकफुल टू द गॉड। एंड बस वही काम कर रहा है कि लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुशी दिला रहा हूँ चंद पल के लिए, जो भी है। तो ये काम बखूबी कर रहे हैं हम लोग, उसी तरह से हैप्पी, खुश है। एंड इसमें कभी भी प्राउड फील नहीं होता है कि आई एम फलाना, आई एम ढेमकाना, नो, नेवर। और कम से कम मैं तो नहीं हूँ इस मामले में, मैं एकदम ही पूरा नेगेटिव हूँ। नहीं, बहुत मॉडेस्ट और हम्बल है। इट्स ओके, दिस वी कैन कॉल हम्बल, बट आई थिंक कि मैं जिस तरह से गरीब परिवार से आया, एंड आई हैव सीन ऑल दिस पॉवर्टी, एंड यू कैन से के व्हाट इज द लाइफ, कितने लोग जान पाते हैं लाइफ को, जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है उसको क्या पता कि गरीबी क्या होता है, या स्ट्रगल क्या होता है, एक टाइम खाना खा के कैसे जिंदगी बिताने का क्या, वो जो फलसफा है ना, वो जो जीवन का जो एक ज्ञान है, वो हमें तो थोड़ा बहुत मिला बचपन से। तो क्या है कि इसलिए हम कभी भी बिखर नहीं जाते कि हमें एक सक्सेस मिला तो हम एकदम बस छलांग लगा दिया। नो, उसको डाइजेस्ट आराम से होता है, क्योंकि हम उस जगह से आए, इसलिए हमें बहुत आसान हो जाता है। हमने सुना है कि आप अपने खुद के गाने कभी सुनते नहीं थे। आज भी मैं सुनता नहीं हूँ, कम सुनता हूँ, बहुत कम सुनता हूँ। गाना सुनने से ही लगता है कि अरे ये जगह और बेटर कर सकता था, क्यों नहीं कर पाया उस समय, ऐसा लगता है। तो वो क्या होता है कि स्टेज पे कर लेता हूँ, समझ लो कोई गाना मैं जिस तरह से गाना चाहता था वो गा नहीं पाया, तो जब वो गाना पॉपुलर हो गया, हिट हो गया, तब जब वो गाना स्टेज पे गाता हूँ ना, तो
उस समय बदला लेता हूँ कि हमें म्यूजिक डायरेक्टर फोर्सफुली वो गवाया था, अब मैं इस तरह से गाऊंगा, अपने स्टाइल से गाऊंगा। इसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा हाँ, इनफैक्ट हमने सुना है काफी शोज पे भी। हाँ, अनप्लग्ड हो जाता है ना। एग्जैक्टली exactly. तो क्या होता है कि मैं उस तरह से गाना चाहता था, म्यूजिक डायरेक्टर नो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे गाओ, तो गाना पड़ता था उस समय। आप बदला लेता हूँ स्टेज पे। ऐसा कोई गाना है जिसका आपने मतलब थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा बदल के उसको गाया और वो ज्यादा लोगों ने उसको ज्यादा इंजॉय किया? नहीं, ऐसे बहुत सारे मैं मेरा मैक्सिमम गाने में ऐसा है। मेरा मैक्सिमम गाना आप अगर सुनोगे तो आप देखोगे कि रिकॉर्ड के साथ मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग लगता है। दैट इज द क्रिएशन। अभी क्या है कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर एक्सेप्ट करता है, कुछ करते नहीं है। तो जो करते हैं वो गाना तो ऐसे भी आता है, पसंद भी होता है और लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन जो नहीं कर सकता उसको स्टेज पे कर लेता हूँ, बस यही बोल सकता हूँ। तो अब जब क्योंकि आप रियलिटी शोज भी जज करते हैं, आजकल इतने पॉपुलर सिंगर्स भी हैं, तो आप जब उन्हें देखते हैं तो अपने टाइम की सिंगिंग में और आजकल के सिंगर्स में आपको कितना क्या डिफरेंस दिखता है? देखो आजकल के सिंगर्स में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के वजह से ना थोड़ा सा सीरियसनेस जो है ना वो थोड़ा सा कम हो गया, डेडिकेशन जो है वो थोड़ा सा कम दिखता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि हमने जब गाना गाया तो हमें क्या होता था कि 100 म्यूजिशियंस फ्लोर में है, हम माइक पे हैं, गाना गा रहे हैं, हमारे साथ म्यूजिशियंस बजा रहे हैं। बिल्कुल। तो उस समय क्या एक सीरियसनेस क्या होता था कि मैं एक बार मिस्टेक करूँ ना तो पूरे 100 म्यूजिशियंस को दोबारा बजाना पड़ेगा। उसके लिए वो लोग जो लुक देते थे ना वो भयंकर है, वो बहुत डेंजरस है। क्या यार ऐसा करके ऐसा लुक देते थे करना पड़ेगा। क्योंकि उसको फिर दोबारा प्ले करना पड़ेगा। और हम लोग इसलिए क्या होता था कि हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके प्रेशर में काम करेंगे, मतलब गलती नहीं करेंगे, हम तो गलती नहीं करेंगे, अगर म्यूजिशियन गलती करे तो कोई बात नहीं है, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो ये जो एक सीरियसनेस होता था ना, आज अभी क्या है, ट्रैक फैसिलिटीज हो गया। तो टेक्नोलॉजी कुछ कुछ जगह पे टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गुड फॉर, यस, टेक्नोलॉजी कुछ खराब भी करते हैं। बिल्कुल। आप बहुत सारे चीजें होता है, जैसे ऑटो ट्यून आया, पीस सिंगिंग आया, लेडी सिंगर के साथ डुएट गाने की जरूरत नहीं है, एक साथ वो कभी भी आके गाएगा तब। तो इसमें क्या होता है ना, जो हम लोग साथ में खड़े होगा हंसी मजाक के साथ, एक रोमांटिक लुक देके गाना शुरू कर दिया, समझ लो, तो वो सब चीज तो होगा नहीं ना। तो यू हैव टू डू इट योर ओन। आपके सामने माइक देख रहे हो और आप खुद गा रहे हो, एक एक लाइन गा रहे हो, नहीं सर उसमें से वो निकाल दीजिए, इसको रखिए, दैट इज सीरियसनेस बहुत कम हो जाता है टेक्नोलॉजी की वजह से, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यस यस। मुझे बताइए आपको क्या लगता है आपकी आवाज सबसे ज्यादा किस एक्टर पे चलती है और अच्छी लगती है? देखिए मेरा तो जस्टिफाई सबसे ज़्यादा किया दो जन ने, सबसे पहला नाम है ऋषि कपूर एंड सेकंड शाहरुख खान। यस। क्योंकि ऋषि कपूर जी और शाहरुख खान जी को मैंने देखा जब ये लोग गाने का, वो लोग एक्टिंग करते थे गाने का सीन में, तो इन लोगों का नस वगैरह जो है ना यहाँ का एकदम फुला हुआ, जैसे कि खुद गा रहे। ये जो क्या बोलता है उसको मुंह पे स्ट्रगल दिखता था कि वो गा रहे गाना, बट दे कैन सिंग ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, बट उस समय वो फुल फ्लेज्ड उसमें वो लाने का कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हमने गाया तो उसका वो नस बस सब फूल जाना, तो देखने से लगता है कि खुद गा रहे हैं। ऋषि कपूर तो 100% शाहरुख खान जी भी देखा मैंने, 100% एकदम। वेरी नाइस। और इतनी बार आप दुबई आते रहते हैं तो दुबई की ऑडियंस के बारे में आपको क्या फील होता है? ऑलवेज गुड ना, दुबई तो क्या है कि वार्म्थ पीपल है, और ख़ास करके यहाँ पे मेरा फैंस जो है, इंडियंस तो है ही, साथ में पाकिस्तानीज है, साथ में बांग्लादेशीज है, पाकिस्तान में मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग, बांग्लादेश में भी, फिर बांग्लादेश तो मैं बंगाली होकर और ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर हमारे इंडियंस तो है ही है, तो एक एक मज़ा आ जाता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल जाता है। अमेजिंग। तो अब फाइनली जो आपका शो होने वाला है विद अदर लेजेंड्स, जो आप करने वाले हैं विद पीएमई एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स जी टीवी इज अ पार्टनर विद दैट, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। सलमान जी को मैं थैंक यू कहूंगा, क्योंकि सलमान जी के साथ जो शो कर रहा हूँ इस बार मैं, जी यू नो सलमान ना, यस, ही इज द मेन, हम उनसे मिल चुके हैं 24 साल के बाद, 24 साल के बाद मैं अभी सलमान जी के साथ शो कर रहा हूँ, एंड इट्स अमेजिंग।
तो दिस इज अमेजिंग, ही इज अ गुड प्रमोटर, बट कहाँ गायब हो गया था बीच में, पता नहीं, ऑफर ही नहीं दिया मेरे को कोई, 50 लोग और आ गया तो मैं सबका करता गया, बट आई ऑलवेज वांटेड टू गेट बैक सलमान, वेरी गुड, अ गुड प्रमोटर. So I hope the concert will be great. I'm sure it will be great. Audience तो हमेशा मतलब आप लोग के गाने सुनने के लिए हमेशा रेडी रहती है. You know that कि हम मतलब जो जिन्होंने बचपन से आपके गाने सुने हैं, बड़े होते हुए we have heard these songs. Even today at a party, मतलब भले हम आजकल के गानों पे सुन लें, डांस कर लें, बाद में हम एक 90s का सेगमेंट करेंगे ही करेंगे जहाँ हम सिर्फ 90s के गाने सुनेंगे. So it's still ruling. हाँ, मेलेडी कभी भी नहीं मरता. मेलेडी जहाँ पे मेलेडी है वहाँ पे आपको सस्टेन करेगा, आपको दिल को छुएगा, आपका आप उसको दिल से एंजॉय कर सकते हो. अब ठीक है, फुट टिपिंग आप थोड़ा नाच लिया, ये कर लिया, बुर्ज खलीफा पे नाच लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ तक आ गया प्यार मोहब्बत की बात है, रोमांस की बात है, या थोड़ा वही गाने 90s के गाने हैं जो याद आते हैं, और पूरे पूरे गाने याद रहते हैं. Yes. मुखड़ा अंतरा सब याद रहता है. हमें शो करके यही मजा आता है जब हम शो में जाते हैं. अभी हम यूरोप टूर करके आए तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, सारे गा रहे हैं हमारे साथ. हमारे साथ सारे गा रहे हैं, ये बड़ा मजा आता है. अगर समझ लो मैं ऐसा भी सिचुएशन हुआ कि मैं बीच में वर्ड भूल गया तो पब्लिक ने इससे मेरे को वर्ड बोल दिया. आप सोचिए कितना दिल से वो लोग इसको लेके रखा, तो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस. ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली. आप अभी भी कुछ गाएंगे ना तो मैं आपके साथ गा रही होंगी. आप तो स्टेज पे ही गाना पड़ेगा. इनको सामने बिठा के रखूंगा, बोले गाओ तुम मेरे साथ, हम बुला लेंगे. मैं विस्पर करके गाऊंगी, मैं अपने मन में गाऊंगी, लेकिन मुझे पूरे वर्ड्स याद होंगे. स्टेज पे बुला लेंगे आपको, मेरे साथ गा देना ना. अगर मैं सिंगर होती आपके, आपसे मतलब मैं इतनी भी आपका 10% भी शायद नहीं होती. आप तो सिंगर नहीं है, फिर भी गुनगुनाते तो है. हाँ जी, मैं गुनगुनाऊंगी ना, इसलिए. हाँ, तो आप हमें दो लाइन सुना दीजिए और हम आपके साथ गुनगुनाएंगे. अच्छा. आप बोलो कौन सा आपका पसंद है गाना. गाने तो मतलब 22,000 गानों में से. हाँ, मैं कोई भी, चूज कोई भी कैसे करूं आपका कोई भी गाना, लेकिन एक गाना है जो मैं आपको इसके बाद गाऊं. दो गाने गाने के पड़ेंगे आपको, एक मेरे सोशल मीडिया के लिए और एक अभी हम शो के लिए गाते हैं. मे बी क्योंकि मैं देख रही थी सलमान ने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी आंखों की गुस्ताखियां, तो वही सुन लेते. आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक टुक तुम्हें देखती है जो बात कहना चाहे जुबा, तुमसे ये वो कहती है आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो. यू नो, मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पे भी आपके बारे में जब भी मेंशन होता है, वहाँ पे कुछ लोग ये डालते हैं कि इनके अंदर ना एक बिल्ट इन ऑटो ट्यून है. आजकल की मशीन्स जो भी कर ले वो नहीं कर सकती जो आपका ओरिजिनल आपके अंदर से आता है. फीलिंग्स नहीं कर सकते मशीन, ऑटो मशीन सब कुछ कर सकते, खाली फीलिंग्स नहीं ला सकते. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच सानू जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा.